وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء यदा यदा हि धर्मस्य गला निर्भवति भारत. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वर्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयते. खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप की हालात बदलने का. रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही. स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जस उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए दीनी भाइयों, क़ुर्ब जवार से तशरीफ रखे अजीज साथियों, पर्दा नशीन माओ बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है झारखंड इलाके में आकर. यहाँ जब मैं किसी मुकर्रर और उलमा की तकरीर सुनता हूँ, लगता है कि दिलों को चुभ जाए. ज़्यादा तो मैं सुन नहीं पाया. जनाब मौलाना अनवर हुसैन साहब मदनी की तकरीर सुनी और कबीर साहब की भी सुने. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसा ही जज्बा हम मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा. और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अब तक मैं 4 स्टेट जा चुका हूँ, लेकिन शायद ही किसी स्टेट में मुझे ऐसा मुकर्रर और ऐसा आलिम दीन जो हदीस और कुरान पर चलने वाले हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल में कोई हसद बिल्कुल ही नहीं है. मैंने यहाँ जो मौजू इंतखाब किया वो ये है कि अपनी सोच बदलिए. मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है कि इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम. खुदा ने आज तक किसी कौम के हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप के हालात बदलने का. पूरी इंडिया में 28 स्टेट है और 28 स्टेट में वजीर आला की तादाद 28 है, लेकिन इन वजीरों को, इन मुख्यमंत्रियों को अगर देश का प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हम तुम सब का बादशाह हैं, हम तुम सब का मालिक हैं, तुम सब हमारे गुलाम हो, एक काम करो, फला बाजार जाओ या फला बागीचे जाओ और वहां जाकर अच्छे अच्छे फल को तोड़ के लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम हो. मेरे प्यारे साथियों, ये 28 गुलाम, ये 28 नौकर, ये 28 ये उनके सिपाही जाएंगे फल तोड़ने के लिए. जो गुलाम अपने मालिक से दिल से प्यार करता है, जो गुलाम अपने मालिक की इबादत करता है, मेरी मुराद जो गुलाम अपने मालिक को समझ जाता है, जो बंदा अपने मालिक, अपने अल्लाह को समझ जाते हैं, वो यही करेंगे कि अपने मालिक के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लेके आएंगे. और जिनके दिल में खराबी है, जिनके ईमान में कमजोरी है, वो यही चाहेंगे कि हम कच्चे पक्के फल को तोड़ के लेके आएंगे, जंगलों में हम घास फूस और लकड़ियां चुन चुन के लेके आएंगे और अपने मालिक के सामने रख देंगे. मालिक ये तसव्वुर नहीं कर पाएगा कि कौन गुलाम लेकर आया है. मेरे प्यारे साथियों, अगर वो मालिक उन्हें आजमाइश के लिए या इम्तिहान के लिए फिर ऐसा जवाब दे और ऐसा कहे, ओ मेरे गुलामों, जो तुमने आपस में मेहनत करके फल तोड़ के लेके आया है, मैं तुम सबको एक काम बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए के जेल खाना तैयार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए के घर बनाता हूँ, तुम उसी घर के अंदर चले जाओ और जो फल तोड़ के लेके आयो उन्हीं पर गुजर व बसर करो. गौर से सुनिएगा इस मिसाल को, जो फल मेरे लिए तोड़ के लेके आयो हो उसी से गुजर व बसर करो. जिसने अपने मालिक के लिए अच्छा अच्छा फल तोड़ के लेके आया,
उसकी जिंदगी कामयाब है, उसकी आखिरत कामयाब है। लेकिन जिन्होंने अपने मालिक को धोखा देने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन कर लेके आए, कच्चे कच्चे फल तोड़ के लेके आए, वो इस दुनिया में भी नाकाम है। गोया कि वो अगर उस फल को खाएंगे बीमारी लाहिक हो जाएंगे, वो इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सके और ना ही आखिरत में कामयाब हो सके, क्योंकि उनका मकसद ये था कि हम अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, आए बंदो, दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर चाहे कि मुझे धोखा दे दे, नहीं दे सकता है। युखादिउनल्लाह, जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को नहीं बल्कि वह अपने आप को धोखा दे रहा है। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर हमने अपने अच्छे अमल किए, दुनिया में हमने नेकियां की है, तो ये हमारे लिए बजाते खुद फायदा है। दुनिया में हमने अच्छे फल तोड़ के लेके आए अपने मालिक के लिए, अच्छा अच्छा काम करते रहे, अच्छी अच्छी इबादत करते रहे, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए नेकिया ही नेकिया है, तुम इस दुनिया में भी कामयाबी रहोगे, इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करोगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें और आपको जरूरी है कि हम अपने बारे में गौर करें कि हम अपने मालिक के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या गलतियां हैं। ओ सीता जिनको वनवास किया गया, और राम की पत्नी सीता जिनको वनवास दिया गया, और वनवास ही की हालत में दो बेटा पैदा हुआ जिनका नाम लव और कुश है। अच्छा, एक राम की पत्नी है, एक भगवान की पत्नी है, मान के चलिए, उसको फिर कैसे वनवास मिला? किसी ने बताया कि एक धोबी की गलती है, किसी ने बताया कि कैकई की जो रानी थी, कैकई की जो एक दासी थी, उनकी गलती है। लेकिन किताब वाले लिखते पद्म पुराण के अंदर के नहीं, ये गलती शून्य, ये गलती खुद सीता जी की थी। जब सीता जी छोटी बच्ची थी और एक बागीचे के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, इतने में एक तोता और एक तोती ऊपर राम कथा सुना रहे थे। ये सीता को तरस आ गए, ये सीता ने उन तोती को पकड़ लिया और उन तोती के पेट में बच्चा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा, तोती ये बताओ, तुम जिस राम के बारे में बता रहे हो कि सीता की शादी राम से होगी, सीता की शादी राम से होगी, सीता का विवाह राम से होगा, मैं ही सीता हूँ और मेरा होने वाला शौहर राम है, बताओ तुम्हें सब खबर कहां से मिलते हैं, बताओ तुम्हें ये चीज किसने बताया है। सीता ने उस मादा तोती को पकड़ लिया जिसके पेट में बच्चा है, वो हां मिला है। सीता ने फिर उसको ऐसा पकड़ा और उसको पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आगे ये लिखा जाता है, किताब वाले लिखते हैं कि सीता ने उसको ऐसे पकड़ रहा कि उसको छोड़ा नहीं। जब उसका शौहर उस मादा तोते का शौहर नर तोता आया और उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश की और कहा, है सीता, आए फला, मेरी बीवी हामिला है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन सीता ने उसको छोड़ा नहीं और पेट में बच्चा था उसी हालत में वो तोता, वो मादा तोता अपनी रूह निकाल दी, अपनी जाने निकाल दी, उनकी जान कम सोनी से परवाज हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गोया के उन्होंने एक मादा तोता को तकलीफ दी, उन्होंने अपने बच्चे समेत इस दुनिया से अपने प्राण गंवा दिए, दुनिया से चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आगे वाले लिखते हैं, आगे ये बात लिखी जाती है कि ये सीता की गलती थी जिन्होंने सीता को इस वनवास के ऊपर लाया, वनवास की हालत में उन्हें भी जंगलात में रहना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, उसके पेट में भी जब बच्चा ठहरा, हमल ठहरा, तो उसे भी वनवास दिया गया। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर गौर करना चाहिए, अपने जमीन पर झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद किसी को ऊपर टारगेट और किसी को बुरी नजर से देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये गलती सीता की खुद थी जिन्होंने उसको वनवास पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच बदलिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हम अल्लाह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कहा करते हैं, हम ईश्वर के बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं कि वो ईश्वर जिसने किसी इंसान को यतीम बनाया, जिसने किसी इंसान को गरीब बनाया, वो ईश्वर ये जिसने किसी को लाचार और बेबस कर दिया, वो ईश्वर है जिसने किसी के घर को जला दिया, वो ईश्वर ही जिसने किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करा दिए, वो ईश्वर ही है जिसने किसी को आग में जलाया। हम ईश्वर के ऊपर ये चीजें ठोकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, मैं जब तुम्हारे ऊपर आजाब मुसल्लत करता हूँ तो मैं तुम्हारी आजमाइश करता हूँ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। हाँ, ये चीज के इम्तिहान लेता हूँ, और दूसरी चीज, जब जमीन में जलजला,
जब जमीन में बुराई लोग करने लगे, बुराई के दलदल में लोग फंस जाए, इतनी बुराइयां होने लगे, खुलेआम जिनाकारी, खुलेआम शराब नोशी, खुलेआम लोग आम पकड़े जाए, अलल ऐलान ये चीजें लोगों के सामने आया हो जाए। अल्लाह फरमाता है ये ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में मैं इंसानों के ऊपर अज़ाब मुसल्लत करता हूँ, और कभी कभी मैं उस कौम को तबाह वो बर्बाद भी कर देता हूँ, कभी कभी मैं उस बस्ती को उजाड़ भी कर देता हूँ और उसकी जगह पे दूसरी कौम को लाकर बिठाता हूँ। इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। किसी की बुराई के ऊपर झांकने से पहले अपने आप के ऊपर देखना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह ताला की जरूरत में कुछ मसलियात है। और इंसानों कुरान ये कहता है कि वला तहिनु वला ताजनु वअंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। आए मुसलमानों, तुम ही इस देश के बादशाह बनाए जाओगे, तुम्हारे हाथ में हुकूमत आएगी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन शर्त है कि अपने अंदर ईमान पैदा करो। आज हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। मुसलमान ये कहता है कि अगर अल्लाह को मस्जिद बचाना था तो अल्लाह मस्जिद बचा लेते। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह इंसान को और मोमिनों को आजमाता है कि देखिए मेरा मोमिन बंदा कितना इसके ऊपर सब्र करता है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान और हदीस की दलील है, लिहाजा हम अल्लाह को क्यों बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह को अगर बचाना था तो अल्लाह बचा लेते। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें इख्तदार पर आना है, अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें सही रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो और ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाले हम कैसे बने, मुत्तकी हम कैसे बने? मेरे प्यारे साथियों, ये जो घर के झगड़े हैं, कभी तो मियां बीवी का झगड़ा, कभी तो बाप बेटे का झगड़ा, कभी भाई भाई का झगड़ा, इन तमाम झगड़ों से हमें दूर रहना है। कभी तो मसला मसले को लेकर छेड़ा जाता है, कभी तो मसलक वाले मसलक से झगड़ा करता है। इन तमाम जरूरियात को, इन तमाम झगड़ों को जो अपने घरों में है, इनको दूर करना चाहिए, उसके बाद हम ईमान वाले बन सकते हैं। और अल्लाह फरमाता है उसके बाद तुम्हें फिर इख्तदार पर बिठाए जाएंगे। ओ मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए आज हिंदुस्तान के अंदर फिर ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान में फिर चौथी लहर शुरू होने जा रही है। ये कोरोना का तीसरी लहर जो खत्म हुई, फिर चौथी लहर शुरू होने जा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अजाब है, जिसके ऊपर सबको गौर करना है। एक मुसलमान को भी गौर करना है, एक ईसाई को भी गौर करना है, एक हिंदू को भी गौर करना है, एक पूरे हिंदुस्तान वालों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और गौर करना चाहिए। ये जो कोरोना जिसने कितने इंसानों को तबाह कर दिए, कितने घरों को उजाड़ दिए, कितने लोगों को आत्महत्या और खुदकुशी करने पर मजबूर करा दिए, कितने लोगों की लाशें गंगा में बहाए गए, ये कोरोना ने कितनी तबाहियां मचाए, फिर ये कोरोना की चौथी लहर हमारे पास आने वाले हैं, इनका भी इजाफा आज जोर बाशोर हो रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ये अल्लाह ये आजाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये अल्लाह इन आजाब को हमारे ऊपर खत्म कर दे। ओ लोगों, वो हिंदुस्तान वासियों, मैं किसी जात और बिरादरी को खास करके नहीं कहता हूँ, वो हिंदुस्तान वासियों चाहे इसमें कोई भी रहने वाले हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, ये हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है, इन लड़ाइयों को पहले खत्म कीजिए। ये हिंदुस्तान में जो मस्जिद और मंदिर का मामला चल रहा है, इन मामले को खत्म कीजिए। ये जो आज हिंदुस्तान में या फिर पूरे आलमी जंग नाफिज होने जा रहे हैं, इन जंगों को पहले खत्म कीजिए, अपने अंदर इस्लाह पैदा कीजिए, अपने आप पे चेंजिंग लाइए, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए। मुसलमान अल्लाह से दुआ करे, ईसाई जीसस मसीह से, ईसाई जीसस मसीह ईसा से, सिख गुरु नानक से, हिंदू राम से, कृष्णा से, जो उनकी किताब के मुताबिक इसके ऊपर वो अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंशाल्लाह ये चीजें खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह देखता है, अल्लाह इंसान को आजमाता है। जब लोगों में और अपने ही घरों में खून खराबा होने लगे, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरे साथ जुड़ा रहता है मैं भी उसकी परवाह करता हूँ, जो बंदा इबादत से जुड़ा रहता है मैं भी उसके बारे में सोचा करता हूँ, लेकिन जो बंदा मुझसे हट जाता है, जो बंदा मुझसे दूर हो जाता है, मैं भी अल्लाह उसके बारे में
कुछ भी सोचा नहीं करता हूँ, मैं उसको आजाद कर देता हूँ। एक शैतान जो शैतान की राह में चलता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके लिए रास्ते को और हमवार कर देता हूँ। एक शराबी जब शराब पीने के लिए जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके रास्ते को और हमवार कर देता हूँ, मैं उनके रास्ते को और छोड़ दे देता हूँ, उन्हें ढील दे देता हूँ, उनकी रस्सियों को और ढील दे देता हूँ। जाओ अगर तुमको जाना ये तो बुराई करो, बुराई के चक्कर में फंसना है तो करो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के हालात बदलना है, अगर हिंदुस्तान में ये बीमारियां जो लाइक हुई है, जितने करोड़ों को नुकसान करा दिया, कितने कंपनियां बर्बाद हो गए, मेरे प्यारे साथियों इन चीजों को खत्म करने के लिए सबसे पहले मस्जिद और मंदिर का मामला जो चल रहा है, इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। और जो हमने सियासत के इख्तदार पर बिठाया है, जो हमने कुर्सी पर लोगों को बिठाया है, सबको आपस में मिलकर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। आए मुसलमानों, हाँ हकीकत में वो आदमी जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई कौम इंतिशार में है, बटी हुई कौम नजर आ रही है, तो मुसलमान है जो एक प्लेटफॉर्म पर कायम नहीं है। ये मुसलमान है जिन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, ये मुसलमान है जिन्होंने अपने बाप को नहीं पहचाना। आज यही सूरत हाल है कि हम इंतिशार है, आज यही सूरत हाल है कि हम बटे हुए हैं, जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, हमारे देश को खतरा पहुंचता है। और ऐसे ऐसे लोग सियासत की कुर्सी में इख्तदार में आते हैं जिनको कुरान और हदीस का इल्म हो या ना हो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने के अंदर लिखा, तकरीबन 3-3 साल उसमें गुजार दिए, बहुत से दीगर मुल्कों का सफर करके चुन चुन के संविधान को हिंदुस्तान में नाफिज किया, लेकिन उनके संविधान को भी ठुकराया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है, इस्लाम में हिजाब का कोई हिजाब चीज कोई है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये अगर उन्होंने हमारी किताब को पढ़ी होती या फिर संविधान को ही जाना होता, आए मुसलमानों हमें कुरान का मुद्दा लेकर आवाज नहीं उठानी है, हमें तो संविधान का मुद्दा ही लेकर आवाज उठानी है। जो संविधान हमेशा इंसान को ये आवाज देता है, इंसान को ये सिखलाता है, ईसाइयों तुम अपने धर्म के मुताबिक पूरी तरह आजाद हो और पूरी तरह इबादत कर सकते हो, आए दलितों, आए गुरु नानक के मानने वालों, महावीर जी के मानने वालों, इस्लाम से जुड़े रहने वालों, तुम्हें धर्म के मुताबिक पूरी तरह से इजाजत है, तुम जैसा चाहो अमल करो और अपने ईश्वर को याद करते रहो, अपने खुदा को याद करते रहो। लेकिन इन्होंने कहा कि संविधान में कोई चीज ऐसी है ही नहीं, इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए मुसलमानों पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर इनकलाब पैदा करना है, और ऐसा इनकलाब पैदा करना है कि दीनी मजलिस में जब जाए तो उसको और उसे सुना करे, दीनी मजलिस में जाए तो कान के पर्दे हटाकर सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या बात बोले जा रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए कि उस पर अमल करने की कोशिश करे। हाँ, आज मैं इतने लोगों के मजमे में जो खिताब कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हाँ इन्हीं लोगों में कोई एक भी शख्स मेरी एक बातों पर अमल कर ले, अल्लाह मुझे जरूर कामयाबी देंगे। लेकिन अगर इतने में कोई एक शख्स भी मेरी बातों पर अमल ना करे, अल्लाह मुझसे हिसाब किताब ले लेगा। आए फला दुनिया में इतने लोगों के सामने बयान किया करते थे, लेकिन कोई तुम्हारे बातों पर अमल नहीं किया है, कोई तुम्हारे बातों को मना नहीं, तो अल्लाह मुझसे भी हिसाब लेगा। आए मुसलमानों, हमारे अंदर एक ऐसी चीज और दूरअंदेशी की जरूरत है, जब हमारे सामने इलेक्शन का मौका है, जब हमारे सामने चुनाव आयोग चुनाव कराए, या बड़े से बड़े कोई भी हम मयार पोस्ट के अंदर जाए, तो सबसे पहले जब गांव का मंडल बनाए, जब गांव का हाकिम बनाए, तो दूरअंदेशी और दिमाग में सोच कर ये बातें अटल फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस तो ये कहता है कि जब अजान ही होती है, जब अजान ही होती है तो गौर से सुना करो। इसका मतलब यह है जब हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें हो, दीन की बातें हो, तो उसे गौर से सुननी चाहिए। रह गई रस्म आजा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। जब बिलाल अजान दिया करते थे, अल्लाह की कसम मदीने की औरतें घरों के छतों पर चढ़ जाया करती थी बिलाल की अजान सुनने के लिए, और ये जो परिंदा दरख्तों पर और घोंसलों पर गुटरगु करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये परिंदा भी खामोशी अख्तियार कर लिया करते थे। इसलिए मुसलमानों, जब भी हम कोई अमल करें तो सबसे पहले उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हम कौन सी अमल कर रहे हैं, और उसके ऊपर अमल करना हमारे ऊपर वाजिब है या नहीं, हमारे सामने कौन सी बातें रखी जाती है, हमें किस तरह उसकी बातों को सुननी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह अमल करना चाहिए। ये हम सबको ये मैसेज देता है कि हम उसके ऊपर सही से अमल करें।
तो मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलिए और अपने घरों की इस्लाह कीजिए। अपने आप को कैसे बदले? जो इंसान अपने घरों की इस्लाह ना कर सके, जो अपने आप को ना बचा सके, वो भला कौम के लिए कैसे राहबर बन सकते हैं?